80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज के मुख्य समाचार सुबह से लेकर शाम तक की टुडे ब्रेकिंग न्यूज हाजिर हो चुके हैं। लेकर आज के मुख्य समाचारों में आपके काम की एवं फायदे की सभी बड़ी खबरें हम बताने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों गुजारिश है वीडियो को अंतिम तक देखना मत भूलिएगा। तो दरअसल भाइयों और बहनों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर, देश में बढ़ रही कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। देश में लागू हुए 10 नए नियम, बंद होने जा रही हैं ये 15 चीजें, लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से संपूर्ण देशवासियों के सामने टीवी पर लाइव आकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। देश में यह 15 चीजें बंद होने जा रही हैं, जिनका आज के बाद आने वाले 1 महीने तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। ट्रेन, बस, बाजार, स्कूल समेत यहाँ पर ठेका, दारू ठेका के साथ साथ शादी ब्याह और बैंकों को लेकर भी बड़े नियम लागू हो चुके हैं। साथ ही घरों से बाहर गाड़ी निकालने से पहले जान ले ये नए नियम, वरना कटेगा भारी भरकम चालान। तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें बंद होने जा रही हैं, कौन से 10 नए नियम लागू हुए हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वहीं इधर एक और बड़ी खबर, RBI का फिर से चला डंडा, बिकने जा रहा है ये सरकारी बैंक। कहीं आपका भी तो नहीं है खाता, डूब जाएगा सारा जमा पैसा। दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, एक सरकारी बैंक है जो कि बिकने जा रहा है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता होता है तो आपका भी खुद का ही जमा पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। जान लीजिए क्या है यह बैंक। तो दोस्तों कौन सा यह बैंक है, कहां पर यह आखिर स्थित है, किस वजह से RBI से जो है बेचने जा रही है, जानेंगे थोड़ी देर में। अगली बड़ी खबर, अभी रूस से भारत आ रहे हवाई जहाज में मिली बम होने की धमकी, फटाफट से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, अभी हवाई जहाज में बम होने की धमकी मिली है। आखिरकार क्या पूरी ये धमकी है, आखिरकार इस विमान का क्या हुआ है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वहीं इधर किसान भाइयों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इन किसानों का सरकार करने जा रही है 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। खुद का नाम भी ऐसे आप कर सकते हैं चेक। अगर आप भी किसान है, आपका भी कर्ज हो चुका है काफी ज्यादा, तो आप भी कैसे ये 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करवा सकते हैं, जानने वाले हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा लड़कियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 2000 रुपए मिलेंगे प्रतिमाह, इस वेबसाइट से करवाएं आवेदन, फटाफट से आएंगे पैसे। और वहीं इधर एक और बड़ी खबर, बिजली विभाग का बड़ा झटका, देश के इस राज्य को अब महंगी मिलेगी बिजली, देना होगा इतने रुपए तक का ज्यादा बिल। दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही है, बिजली का बिल महंगा होने जा रहा है। आखिरकार कहां के लोगों के लिए बिजली के बिल में यहां पर महंगाई होने वाली है, बड़ा झटका लगने वाला है, थोड़ी देर में जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास भी है 2000 रुपए का नोट, तो सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा ये 2000 का नोट, फटाफट से जान ले वरना लगेगा बड़ा झटका। साथ ही अगली बड़ी खबर, मात्र 550 रुपए में मिलेगा 3 कैमरों वाला फोन, फटाफट से उठा लीजिए बम्पर फायदे का लाभ। अगर आप भी यहाँ पर सस्ते में कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो लूट ऑफर की शुरुआत हो चुकी है, कई लोगों की यहाँ पर खरीदने की लाइन लग चुकी है। मात्र 550 रुपए में 3 कैमरों वाला फोन, स्मार्टफोन मिल रहा है। इसके अलावा फ्री मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, खुशखबरी, बस इन लोगों को मिलेगा फायदा, सालाना मिलेंगे 12 गैस सिलेंडर। दोस्तों अगर आपके घर में कोई महिला है, आपकी माता जी है, बहन जी है, तो आपके लिए सरकार ने खुशखबरी दे दी है, अब सालाना आपको 12 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले हैं। आखिरकार किन कहां के लोगों के लिए यह योजना की शुरुआत हुई है, संपूर्ण अपडेट थोड़ी देर में मिलने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट, कोरोना का नया वेरिएंट भारत में फिर से आया सामने, कुल मामलों की संख्या हुई बढ़कर 8, फिर से लगेगा लॉकडाउन, सरकार हुई सतर्क। जी हां दोस्तों, चीन, अमेरिका और जापान में कोरोना महामारी जिस प्रकार से तबाही मचा रही है, उसी कोरोना का नया वेरिएंट भारत भी पहुंच चुका है। अभी देश के इस राज्य में नया वेरिएंट का मामला सामने आ चुका है, तो सरकार कौन से बड़े फैसले लेने वाली है, थोड़ी देर में जानने वाले हैं। साथ ही क्या लॉकडाउन भी लगेगा, जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, रसोई गैस सिलेंडर के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड के अलावा भयंकर ठंड, किसान, मजदूर एवं स्कूली छात्र छात्राओं के लिए भी कई बड़े अपडेट्स हैं। तो इस वीडियो में हर एक खबर की चलिए जानकारी आपको बताते हैं। उससे पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल के आइकन
आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके सब फटाफट से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भाइयों और बहनों, दरअसल आज की सबसे पहली और बेहद ही बड़ी खबर पीएम किसान योजना के तहत बड़ी अपडेट। ये चार काम है जरूरी, वरना नहीं आएगी 13वीं किस्त का पैसा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। चार ऐसे काम है जिन्हें अगर आपने एक भी नहीं करवाया है तो आपको अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। कृषि विभाग किसानों के लिए एक यहां पर जो है अपडेट जारी किया है, जिसमें यहां पर कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि 13वीं किस्त अगर आपको पैसा लेना है तो आपको फटाफट से चार काम निपटा लेने चाहिए। पहला काम, इसमें से आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। इसके अलावा बैंक खाता आधार कार्ड से अगर आपने यहां पर लिंक नहीं किया है तो भी आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। साथ ही साथ एनपीसीआई के साथ भी अगर आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो भी पैसा नहीं आएगा। और इसके अलावा किसान अपनी पासबुक और आधार कार्ड लेकर बैंक में अपने खाते में एनपीसीआई से यहां पर लिंक जरूर करवा लीजिएगा। साथ ही साथ जो चौथा काम है वो ये है कि अगर आपका भूलेख अंकन यहां पर पीएम किसान पोर्टल पर नहीं हुआ है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चार काम है जो कि आपको फटाफट से निपटा लेने चाहिए। नेक्स्ट बड़ी खबर, घरों से बाहर गाड़ी निकालने से पहले हो जाए सावधान, सरकार ने अभी लागू कर दी है रोक। जानिए आखिर क्यों लिया है सरकार ने यह बड़ा फैसला। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चार पहिया है तो दरअसल दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली में रोक लगा दी है चार पहिया गाड़ियों पर। सरकार की ओर से जारी किया गया एक नोटिफिकेशन, जिसमें यहां पर BS3 की पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन जितने भी हैं उन सभी पर यहां पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, ये चार पहिया गाड़ियों के लिए सरकार ने फैसला लिया है क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण यहां पर चरम स्थिति पर पहुंचने लगा है। इसके चलते अगर आपके भी पास में यहां पर इन वाहनों की यहां पर जो है कोई भी वाहन होता है, चार पहिया गाड़ी है, तो आपको यहां पर घर से बाहर निकलने से पहले सावधान हो जाइए वरना चालान काटा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, मात्र 549 रुपए में मिलेगा 3 कैमरे वाला फोन। लूट मची, फटाफट से उठवा लीजिए ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर मात्र 549 मतलब 550 रुपए में 3 कैमरों वाला दमदार फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बम्पर ऑफर आ चुका है। भाई और बहनों, सेल में ग्राहक यहाँ पर मोटरोला कंपनी का स्मार्टफोन बेहद ही सस्ते में खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो पीछे मत रहिए, 8000 रुपए वाला फोन मात्र 550 रुपए मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दीजिए कि ये जो फ्लिपकार्ट पर एक सेल चल रही है जिसमें यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर पर ये जो है फोन मिल रहा है। मोटरोला कंपनी का यह फोन है जिसमें आपको मात्र 549 रुपए आपको देकर जो है एक्सचेंज ऑफर के साथ ही मोटरोला का ये जो है फोन आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको 64GB का इंटरनल और 3 कैमरे भी आपको मिलेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई राज्यों में सुबह और रात के समय लोगों को घने कोहरे का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते सरकार और साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से अभी सभी स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आदेश जारी किया गया है जिसमें प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वाली कक्षाएं संचालित रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी यहां पर कक्षाएं हैं सभी रद्द कर दी गई हैं। मतलब कि दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल तो यहां पर बंद ही रहेंगे। साथ ही यहां पर जो भी 9वीं 10वीं 12वीं की यहां पर प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो यहां पर संचालित रहेंगी, बाकी सभी यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, फ्री मिलेगा गैस कनेक्शन, बस इन्हीं लोगों को केवल मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, देश की सरकार देश के लोगों के लिए यहां पर जो है ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें आपको भी सीधा फायदा मिलेगा। अगर आप भी यहां पर देश घरों में अपना खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार यहां पर एक बार फिर से फ्री गैस कनेक्शन दे रही है। दोस्तों, इसमें आप 2023 में कैसे इसके लिए आवेदन करवाना है, चलिए इसकी जानकारी बता देते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन लेने के लिए आवेदनकर्ता का ई-केवाईसी पर जो है होना अनिवार्य है बैंक में, और आपका आधार कार्ड और पहचान प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर और 3 दस्तावेज जो है आपके पास, आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र प्रमाण पत्र, ये भी होने चाहिए, तभी आप यहां पर इस योजना का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर, बड़ा झटका, फिर से महंगे हुई सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों ने फिलहाल दी है राहत। जी हां दोस्तों, ताजा रेट क्या है चलिए बताते हैं आपको। दरअसल एक बार फिर से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है, सीएनजी गैस के दाम यहां पर 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 रुपए प्रति लीटर का जो सीएनजी की कीमत है वो बढ़ गई है प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन जो आपका यहाँ पर पेट्रोल और डीजल है वो फिलहाल यहाँ पर सस्ता हो चुका है। जी हाँ, कच्चे तेल की हम बात कर रहे हैं, कच्चा तेल जो है
मंगलवार सुबह जो है 79.46 रुपए पर यहाँ पर आ चुका है। अगली बड़ी अपडेट, लड़कियों को सरकार देने जा रही है 2000 रुपए प्रतिमाह। इस वेबसाइट से करवाएं आवेदन, फटाफट से आएगा बैंक खाते में पैसा। अगर आपके घर में कोई छोटी बालिका है, बच्ची है, तो आपके लिए बहुत अच्छी योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी है। इस योजना के तहत सरकार आपकी बेटी को 1 मुश्त रुपए देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार आपकी बिटिया को इंस्टॉलमेंट के तौर पर यहाँ पर 2000 रुपए देगी। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में पैसा आपको कैसे मिलेगा, आइए इसकी भी जानकारी बताते हैं आपको। भाई बहन, मान लीजिए आपके घर में कोई बिटिया जन्म लेती है और वो 1 अप्रैल 2019 के बाद उसका अगर जन्म हुआ है तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी बेटी है और वो यहाँ पर फायदा लेने की इच्छुक हैं उसके परिवार वाले, तो आवेदन करने में देरी बिल्कुल भी ना करें। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, बल्कि पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी और आपको ये फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट बड़ी अपडेट, किसानों के लिए खुशखबरी, 1 लाख तक का किसानों का कर्ज होगा माफ। खुद ऐसे कर सकते हैं आप भी अपना नाम चेक। भाइयों और बहनों, बड़ी अपडेट आ रही है, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए पुराने कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। ये नया ऐलान यहाँ पर जो है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से किसानों के लिए किया गया है। आपको बता दें कि इस बार खरीफ सीजन में किसानों को सूखा और अनियमित मानसून के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से करीब 33,000 से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। इस कर्ज माफी योजना के तहत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। हालांकि दोस्तों, इसके चलते सरकार के ऊपर करीबन 190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। अगली बड़ी खबर, अब बिकने जा रहा है ये सरकारी बैंक, फटाफट से करवा लें जरूरी काम वरना डूब जाएगा आपका भी जमा पैसा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, अब ये बैंक बिकने जा रहा है। सरकार ने अभी बता दिया है प्लान। पब्लिक सेक्टर का बैंक IDBI को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से जानकारी दी गई है कि IDBI में बहुत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों ने रुचि दिखाई है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी घरेलू या फिर विदेशी हाथों में जो बैंक है वो बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके 20 बैंक में खाता होता है तो फिलहाल तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अभी आपको जो चार्जेस लगते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के तौर पर वो अभी कम लगते हो, बाद में यहाँ पर ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर अपने बैंक खाते पर नजर रखनी है और आपको भी सतर्क रहना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली बिल उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका, फिर से होने जा रही है बिजली महंगी। जान लीजिए कितने रुपए तक बढ़ेंगे रेट। दोस्तों, योगी सरकार नए साल पर एक बार फिर से यूपी वासियों को तगड़ा झटका दे सकती है। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली की दरों में 18% से लेकर 23% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बाबत यहाँ पर बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव भी जारी कर दिया है, जिसमें से यहाँ पर खबर आ रही है कि बिजली की औसत दर 15.85% बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अगर ये यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश वासियों को नई जो यहाँ पर दरें हैं उसका सामना करना पड़ सकता है और बिजली महंगी हो जाएगी।